और नीचे है एम एथ रूट ऑफ क्यू, एन एथ रूट ऑफ क्यू अपॉन में क्या है एम एथ रूट ऑफ क्यू, ठीक है भाई। सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले जो एन एथ रूट है इसको वन अपॉन एन पावर में कन्वर्ट कर देंगे और एम एथ रूट को भी वन अपॉन एम, यानी कितना सा होगा यहाँ पे जो है एन एथ रूट है इसको लिख सकते हैं क्यू की पावर वन अपॉन एन, और जो एम एथ रूट क्यू का है इसको लिख सकते हैं क्यू की पावर वन अपॉन एम, यानी इस तरह से आप एन एथ और एम एथ रूट को पावर वन अपॉन एन वन अपॉन एम में कन्वर्ट कर सकते हैं। थ्योरी से बात पता है हमें, कीजिए तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाए, ये एन एथ रूट ऑफ क्यू है तो ये हो जाएगा क्यू की पावर वन अपॉन एन, और एम एथ रूट ये हो जाएगा क्यू की पावर वन अपॉन एन। अब एक कानून याद करें, लॉ ऑफ क्वोशेंट ऑफ पावर। लॉ ऑफ क्वोशेंट ऑफ पावर क्या था कि अगर ये लिखा हो फर्ज कर ले ए की पावर एम और नीचे लिखा हो ए की पावर एन, तो कानून ये था कि सेम बेस वाली एक में डिवाइड होती है तो एक दफ़ा बेस लिखकर ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे बेस क्यू और यहाँ पे बेस क्यू है सेम बेस वाली एक में डिवाइड हो रही है, तो एक दफ़ा बेस क्यू लिख के ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर दो, तो देखिए क्या हो जाएगा क्यू की पावर यस ऊपर पावर कितनी है वन अपॉन एन माइनस नीचे वाली पावर क्या है वन अपॉन एन माइनस कर दी। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये जवाब तो आ गया लेकिन इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें, यहाँ लिखा हुआ है वन अपॉन एन रफ में कर लें वन अपॉन एन, तो ये एलसीएम का सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे एन और एम को साथ में जोड़ कर आप क्या कर सकते हैं एलसीएम में एन एन से कट जाएगा क्या बचेगा एम ऊपर, और जब इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो एम और एम कट जाएगा एन बचेगा इसको यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा देखिए क्यू की पावर एम माइनस एन अपॉन दैट इज योर आंसर। ठीक है भाई, देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा कि क्लास से कभी छुट्टी ना करें, कभी भी क्लास से ऑफ ना करें, अपनी क्लास लाजमी लें, डेली क्लास हो रही है ना आपकी, अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, क्लासेस हो रही हैं तो क्लास को मिस मत करें, चाहे आपकी समझ में पूरा मुकम्मल तौर पे क्वेश्चन आए या नहीं आए, आप क्लास में बैठकर समझने की कोशिश ज़रूर किया करें, इज़ डेट क्लियर। अब तो मौका भी है, वीडियो में भी रिपीट करके इसको देख सकते हैं बार बार, तो उससे क्या होता है कि जब आप मुसलसल हाज़िरी देते हैं अटेंडेंस लेते हैं तो आपकी हाज़िरी की बरकत से फिर आपको समझ में आने लगता है, डेट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जिनकी हमें समझ नहीं होती है लेकिन हमें बाद में समझ आने लगती है, कि हम रेगुलर क्लास में रहते थे तो फिर उसकी बरकत ये हुई कि हमें फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें समझ में आना शुरू हो गई है, इज़ डेट क्लियर। तो इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनाइए कि आप छुट्टी ना करें, रेगुलर क्लास में बैठें, और कुछ नहीं तो कम से कम चीटिंग करना तो आ जाएगी, और कुछ ना आया तो चीटिंग करना तो आ जाएगी, क्योंकि चीटिंग करने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, अकल की ज़रूरत होती है ना, इतना तो होना चाहिए। पर चीटिंग से बुरा मेरी ये नहीं कि आप जाके चीटिंग करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है ना, आप ऐसे हैं मैं जानता हूँ, सब मेहनती स्टूडेंट हैं जितने भी हैं और मेहनत से ही पास हो, क्यों बिला वजह हम ज़मीर की अदालत में हमेशा जो है वो रहे हैं टेंशन में, आ जाए अभी तो पढ़ा गया। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बोलिए,
12 हो गया। मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा समझ लें आप, एलसीएम को समझ, क्या लिखा हुआ है ये फिर से देखें, 1/n माइनस 1/n, इस तरह के एलसीएम को या इस तरह के सबट्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर कहलाता है। कायदा ये है कि पहले एक लाइन डालते हैं, ये तीसरी क्लास की मैथ में समझाई जाती है चीज़, आपको समझाई जा रही है। कायदा ये कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दें यहाँ पर, ओके। अब इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, जो जवाब आए उसके ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, ये रकम पहले एन से डिवाइड करें जो जवाब आए उस पर। अब जब आप एन एम को एन से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे ऐसे, तो एन और एन कट गया, क्या बचेगा एम, एम को ऊपर वन से मल्टीप्लाई कर दें, तो एम एकम एम, वही काम यहाँ पर रिपीट करें, एन एम को एम से डिवाइड करें। तो जब एन एम को एम से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एम और एम कट जाएगा, क्या बचेगा एन, उस एन को ऊपर वन से मल्टीप्लाई कर दें, तो एन एकम एन। तो ये बहुत ही आसान कायदा है कि आपने जोड़ के लिखा, एन एन सेम था इसको छोड़ दिया एम लगा दिया, यहाँ पर एम एम सेम था छोड़ के क्या लगा दिया एन लगा दिया। तो इस तरह से आप आसानी से जो है इसको सबट्रैक्ट कर सकते हैं अपॉन के सबट्रैक्शन को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गया, 13 में 256 फोर्थ रूट ऑफ 4 बी की पावर 4 बी की पावर 4 बताइए क्या करेंगे सबसे पहले, व्हाट शुड वी डू फर्स्ट। ये लिखा हुआ है फोर्थ रूट, तो फोर्थ रूट को कन्वर्ट कर देंगे पावर 1/4, यही तो बताया था। देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, 256 ए की पावर 4 बी की पावर 4, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें 1/4। आप चाहें तो इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं इस तरह से, ताकि समझने में आसानी हो। 256 मल्टीप्लाई ए की पावर 4 मल्टीप्लाई बी की पावर 4, यानी जुदा किया फिर सॉल्व करके मिला दिया 1/4। इस तरह आप मल्टीप्लाई का साइन डाल के अलग करके भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 256 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे, इसके 256 के फैक्टर बनाइए, ये आ जाओगे 256 के फैक्टर क्या होंगे, देखिए 4 से करें, किससे 4 से कीजिए, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से करें, 4 6 20 ज़्यादा हो गया, 4 6 क्या होता है बताइए क्या होगा, यहाँ पर कैसे होगा, 24 में से 1 निकलेगा 6 पे लगा 16 में ना, फिर 4 4 16 फिर 4 से आएगा 4 1 4 2 निकला 4 पे लगा 24 4 6 24 फिर 4 से आएगा 4 4 16 फिर 4 से आएगा 4 1 4, तो कितने 4 आ जाएंगे 4। तो 256 में देखिए कितने 4 आ गए, 4 आ गए, तो इसको कैसे लिखें, देखिए यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, इसका मतलब 4 की पावर कौन है, इन तमाम पावर्स को क्या कर लें ऐड कर लें, तो 4 की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ 256 की जगह 4 की पावर 4, अगले स्टेप पर। तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 256 की जगह आया 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई ए की पावर 4 मल्टीप्लाई बी की पावर 4, और होल पावर कौन है 1/4। अब देखिए क्या होगा, अब ये जो पावर 1/4 है सब पे आ जाएगी, 1/4 पावर इस पर भी आएगी, इस पर भी आएगी और इस पर भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब ये पावर 1/4 एक 4 की पावर 4 पे आएगी, तो पावर पे पावर है तो पावर है मल्टीप्लाई जाती है 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, फिर ए की पावर 4 पे आएगी 4 मल्टीप्लाई 1/4, फिर बी की पावर 4 पे आएगी तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 से 4 कट गया, ये वाले 4 कट जाएंगे, फिर ए की पावर 4 से 4 कट गया 1 बचेगा, बी की पावर यहाँ भी 4 से 4 कट गया 1 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जाहिर है 1 होता है लिखते नहीं है, तो सबको जोड़ के लिख देंगे दोबारा 4 a b, डेट विल बी और फॉल एट फाइनल। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कीजिए
क्यूब रूट ऑफ 64 ए क्यूब बी की पावर 9 अपॉन 2166 की पावर 6 सी की पावर 6 और डी की पावर 18। आपके पास हो गया तो आंसर क्वेश्चन लाजमी चेक किया करें। ये क्वेश्चन क्यूब रूट याद रहे हैं क्या? तो क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होगा, तो पहले तो आप इसको पावर 1/3 में कन्वर्ट कर लें। क्या करेंगे, 64 मल्टीप्लाई ए क्यूब मल्टीप्लाई बी की पावर 9 अपॉन 216 मल्टीप्लाई सी की पावर 6 मल्टीप्लाई डी की पावर 18 और होल पावर क्या है 1/3। इन सब पे दो काम किए, तो पावर 1/3 लिखी और फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल के अलग कर दिया इनको, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अभी क्या समझाया, अभी क्या बात समझाई, देखिए अब क्या होगा, ये 1/3 पावर 64 पे आएगी, ए क्यूब पे आएगी, बी 9 पे आएगी, 216 पे, सी 6 पे, डी 18 पे, सब पे आ जाएगी। लेकिन उससे पहले काम करें, अभी पावर लेके नहीं आए, अब एक काम और करना है, क्या 64 के फैक्टर बनाने हैं और 216 के भी फैक्टर बनाने हैं। तो 64 के फैक्टर क्या बनेंगे भाई, और से कीजिए, और यहाँ पे 216 के फैक्टर बनाए, लेकिन 6 से करना है इसको, किससे, 6 से। तो 4 बनता 4, 2 इधर गया, 4 6 का 24, फिर 4 4 था 16, फिर 4 1 था 4, तो ये फैक्टर बन जाएंगे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 4 की पावर क्या हो जाएगी बोलिए, 3, 4 की पावर, या 6 से करें, 6 3 था 18, ये है 21, 3 यहाँ गया, 6 पे लगा 36 वाला, फिर 6 6 था 36, फिर 6 6 था 36, फिर 6 1 था 6, तो क्या हो जाएगा बोले, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये 6 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 इट बिकम्स 3, तो 6 की पावर 3 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 64 की जगह क्या आ जाए, 64 की जगह देखिए 4 की पावर 3 4 मल्टीप्लाई ए की पावर 3 मल्टीप्लाई बी की पावर 9 और अपॉन में 216 की जगह 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई सी की पावर 6 मल्टीप्लाई डी की पावर 18 और होल पावर है 1/3, देख रहे हैं। अब ये पावर 1/3 सब पर आ जाएगी, लगा दीजिए सब कुछ, तो 1/3 पावर, तो पहले किस पर आएगी, 4 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, फिर ए क्यूब पर आएगी 3 मल्टीप्लाई 1/3, फिर बी की पावर 9 पर आएगी मल्टीप्लाई 1/3, अपॉन में आ जाएगी बी क्यूब पर आएगी, तो बी की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, फिर सी 6 पर आएगी 6 मल्टीप्लाई 1/3, फिर डी 18 पर आएगी मल्टीप्लाई 1/3, सब पर आ गई, पावर पे पावर आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा देखिए, आप 3 3 से कट गया तो 4 की पावर 1 बचेगा, 1 लिख करिए, यहाँ पे भी 3 3 से कट जाएगा तो 1 की पावर 1 बचेगा, और यहाँ क्या होगा 9 को 3 से कट, 3 1 था 3 3 3 था 9, तो b की पावर 3 बचेगी, नीचे 3 3 से कट गया b बचेगा, यहाँ पर 6 और 3 3 1 था 3 3 2 था 6, तो c की पावर 2 बचेगी, और यहाँ 18 और 3 को डिवाइड करें, 3 1 था 3 3 6 था 18, तो d की पावर 6 बचेगी। यहाँ पर मेरा ख्याल है मैंने वो कर दिया, बी लिख दिया, बी नहीं है, क्या है ये 6 है, ये बी की पावर, ये 6 की पावर 3 लिखा हुआ था, तो ये 6 की पावर है, सॉरी गलती से बोली, असल में बी और 6 देखने में एक जैसे लगते हैं, तो अक्सर ऐसा धोखा हो जाता है, तो ये 6 है और यहाँ पे भी 6, 3 3 से कटेगा तो क्या बचेगा बोलिए, 6 बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ पे 3 3 से कट गया तो 6 बचेगा। अब देखिए मजीद कोई कटिंग हो रही है, और से देखो
बोलिए, क्या कोई और कटिंग हो रही है? 4 और 6 कट रहे हैं ना, किससे कट रहे हैं? 2 के टेबल से, 2 to the 4 और 2 3 the 6, तो ऊपर क्या बचेगा? 2 a b cube, और अपॉन में क्या बचेगा? 3 c square d की पावर 6. डेट इज योर फुल एंड फाइनल आंसर. कितने हो गए भाई? सारे क्वेश्चन मुकम्मल हो गए. एक्सरसाइज 2.6 पेज नंबर 4. बस ठीक, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो बना 2.7 के अंदर.